नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद के मैथन थाना ने राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाया मालखाना। सड़क सुरक्षा को लेकर देश भर में लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि लोग यातायात नियमों का पालन कर सके, नियमों का सख्ती से पालन हो सके, लोगों को जुर्माना लगने का भय लगा रहे, जिस कारण लोग जुर्माना लगने के डर से यातायात नियमों का पालन करे। लेकिन जब प्रशासन ही नियमों का धज्जियां उड़ाए तो फिर क्या कहना। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि निरसा विधानसभा क्षेत्र के मैथन थाना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग को मालखाना बनाया हुआ है। जब्त किए हुए वाहनों को सड़क पर ही खड़ा रखा जा रहा है, जिसके कारण इस मार्ग से गुजरने वाले हर छोटी बड़े वाहनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हैरत की बात यह है कि मैथन टोल प्लाजा मैथन थाना से महज 20 मीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन कभी भी टोल पदाधिकारियों द्वारा भी इस बाबत मैथन थाना को कुछ नहीं कहा गया है। टोल पदाधिकारी महज वाहनों से टोल वसूलना जानती है। मार्ग पर गुजरने वालों वाहन चालकों को बेहतर सुविधा से क्या वास्ता। थाना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध किया जा रहा है, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि मैथन थाना और टोल पदाधिकारी कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रही है। जिला परिवहन पदाधिकारी इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए राजमार्ग में खड़े वाहनों को हटाने का प्रयास करे ताकि राजमार्ग पर चलने वाले वाहन चालकों को यात्रा के दौरान रास्ता सुगम हो सके। आइए जानते हैं गुलजार अंसारी राहगीर ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। जो गाड़ी लगा हुआ है गलत लगा हुआ, आने वाला आदमी को जाने वाला आदमी को बहुत दिक्कत है। कभी भी आए दिन अंधेरा में नजर नहीं आया तो एक्सीडेंट हो सकता है। मैंने बहुत सारा आदमी ऐसा भी है कि जो देख करके भी गाड़ी चलाता है तो गलती हो जाता है, अचानक सामने आ गया, तो इससे घटना बढ़ सकता है घट नहीं सकता। जो लगा हुआ गाड़ी ये गलत है, इसको आप लोग प्लीज़ प्रशासन से बोल करके हटवाएं, बहुत मेहरबानी होगी। ये सही नहीं है।